अजमेर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध होने के बावजूद अजमेर वासी प्यासे रहने को मजबूर। तारागढ़ दरगाह और आसपास के क्षेत्र पिछले एक महीने से हो रही है भारी। तारागढ़ दरगाह और आसपास के क्षेत्रों में पिछले एक महीने से हो रही है पानी की भारी किल्लत। गर्मी में तेजी के साथ पानी की किल्लत कोड़ में खाज का काम कर रही है। शहर से हजारों फीट ऊपर पहाड़ी पर बसे तारागढ़वासी लंबे अरसे से पानी की समस्या से त्रस्त हैं। तारागढ़ दरगाह और आसपास के क्षेत्र में पानी की किल्लत से स्थानीय लोगों के साथ दरगाह आने वाले जायरीनों को भी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। तारागढ़ के खादिम हाजी सैयद रमजान अली मशदी ने बताया कि हजरत मीरा सैयद किंग सवार की दरगाह में खासी तादाद में रोजाना जायरीन जियारत करने के लिए आते हैं। तारागढ़ पर काफ़ी परिवार भी रहते हैं, लेकिन जलदाय विभाग ने तारागढ़ की अनदेखी कर रखी है। कई बार शिकायत देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तारागढ़ के लोगों ने पूर्व में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से पानी की नियमित आपूर्ति कर पानी की किल्लत दूर करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। महंगाई के इस दौर में 2 से 3 पानी के टैंकर प्रतिदिन मंगाए जाकर पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है, जो नाकाफी है। सरकार और जिला प्रशासन के साथ जलदाय विभाग के अधिकारियों से अपील है कि वे अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं में शुमार पानी की किल्लत को जल्द दूर कर राहत पहुँचाएँ। स्थित दरगाह हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद हाजिर होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ज़िला प्रशासन की तरफ से, जलदाय विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। ज़ायरीन को पानी के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वजू खाने में पानी नहीं है। वजू खाने का जो हौज है वो खाली पड़ा हुआ है, झाला खाली पड़ा हुआ है। दरगाह इंतज़ामिया कमेटी, दरगाह हज़रत मीरा साहब अपनी जानिब से रोज़ाना टैंकर मंगवा कर काम।